माकपा के आह्वान पर जनता के ज्वलंत सवालों जैसे मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, आर्थिक मदद तथा पेट्रोल की बड़ी कीमतों व निजीकरण के खिलाफ अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन व जन संगठनों द्वारा एसडीएम नारनौंद के माध्यम से प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री मोदी के नाम मांग पत्र सौंपा गया। इस मौके पर अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के प्रांतीय उपाध्यक्ष राम अवतार सुलचानी ने कहा, असल आज पूरे देश में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के द्वारा जनता के जो ज्वलंत सवाल हैं उन सवालों को लेके, चाहे वो मनरेगा का सवाल है, चाहे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सवाल है, चाहे निजीकरण और गैस पेट्रोल के जो डीजल के जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेके देश में आंदोलन है आज के दिन। इसी कड़ी में अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन और मनरेगा का मजदूर इस बात को लेके आज एसडीएम नारनौंद के माध्यम से हम ये ज्ञापन सौंप रहे हैं और हमारी मुख्य मांग ये है कि 250 दिन काम किया जाए, 600 रुपये दिहाड़ी मजदूरों को दी जाए। इसी के साथ ये जो कोरोना की महामारी जो चल रही है इसके तहत 6 महीने के लिए कम से कम मुफ्त राशन दिया जाए और ये हिंदुस्तान की सरकार और हरियाणा की सरकार जिस तरीके से मजदूरों की आर्थिक मदद करी है, हम ये कह रहे हैं किसी को मिली है किसी को नहीं मिली, 7,500 रुपये प्रत्येक गरीब आदमी के खाते में इसको डाला जाए। और ये जो सरकार लगातार जो पेट्रोल डीजल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो इसकी कीमत मतलब घट रही है और हिंदुस्तान की सरकार वो लगातार इसको मतलब पेट्रोल गैस डीजल के दामों को बढ़ा रही है, जिससे आम आदमी गरीब आदमी किसान मजदूर सबके लिए बहुत बड़ा संकट है। और दूसरी तरफ चाहे वो बिजली का निजीकरण सरकार कर रही है और तमाम जो गरीब आदमी हैं वो बहुत बुरी हालत में जी रहे हैं, जिनके पास रोजगार का कोई संसाधन नहीं है और ऊपर से हरियाणा की सरकार, खट्टर साहब ने ये कहा है कि भाई 1 साल तक हम कोई नई भर्ती नहीं करेंगे, ये कोई तमाशा देश में नहीं चलेगा। आने वाले समय में यदि सरकार इन तमाम सवालों पर, चाहे नरेगा का सवाल है, चाहे राशन का सवाल है, चाहे पीने के पानी का सवाल है, और एक मुख्य बात हम ये भी कहना चाहते हैं कि कोरोना महामारी के चलते ये जो नारनौंद का जो अस्पताल है, इस नारनौंद के अस्पताल को पूरा अपग्रेड किया जाए ताकि इस महामारी से लड़ने के लिए यहाँ पूरा डॉक्टर स्टाफ और ये सारे के सारे प्रबंध किए जाए। और इसी के साथ हम एक बात और कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण लोगों का जो दिनचर्या है वो बहुत ही विकटपूर्ण परिस्थिति में है, उनके लिए इलाज की कोई गारंटी, उनके कोई चेकअप की गारंटी, और खास करके जो नरेगा का मजदूर, सैकड़ों मजदूर एक साइट पर काम करते हैं लेकिन उनके लिए ना कोई सैनिटाइजर का प्रबंध है, ना वहाँ पर कोई मास्क वगैरह का कोई दिया जा रहा है, वहाँ कोई छाया का प्रबंध नहीं है। और यदि कोई मौत वगैरह हो जाती है, जैसे पिछले दिन खेड़ा खेमावती में मिट्टी गिरने से मजदूरों की मौत हुई, सरकार उसके लिए 25,000 का प्रावधान करती है, बाकी जो मजदूर है वही मजदूर खेत में जाता तो 5 लाख, भवन निर्माण पर जाता तो 5 लाख। बल्कि आपने कैप्टन साहब के बारे में जब धरना लगाया था आपने हमारी बात उठाई थी तो उसमें 1,25,000 के 21,000 के लगभग कुछ मदद हुई थी। हम ये कहना चाहते हैं जब 5 लाख का प्रावधान है तो ये 5 लाख रुपये दिए जाने चाहिए। यदि सरकार इन बातों को लेके गौर नहीं करती तो आने वाले समय में, चाहे हरियाणा की सरकार है चाहे केंद्र की सरकार है, मोदी साहब कह रहे हैं कि 20 लाख करोड़ रुपये हमने पूरे देश के इस कोरोना महामारी को से लड़ने के लिए, अर्थव्यवस्था को ऊपर लाने के लिए कर दिए। हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 135 करोड़ है, यदि आप दोड़े पूंजीपतियों का घर भर रहे हैं, आम गरीब किसान मजदूर के नासा में मतलब दम कर दिया है तो ये बात सहन करने योग्य नहीं है। इसके खामियाजे हरियाणा की सरकार को और केंद्र की सरकार को भुगतने पड़ेंगे। आज इस बात को लेकर हमारा जो मजदूरों का संगठन अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन और मनरेगा मजदूर इस ज्ञापन को देने के लिए आए हैं और खास करके हम कम संख्या में इसलिए आए हैं कि ये जो कोरोना महामारी का जो दौर चल रहा है इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमने कम संख्या में लोग यहाँ बुलाए हैं और एक ज्ञापन दे ताकि सरकार इसे सुध ले।